गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। दिस इज मनु शर्मा, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 4 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपको याद होगा, आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा था मैग्नेटिज्म, राइट? तो मैग्नेटिज्म में आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को भी पढ़ा था, जहाँ पर आपने एक लॉन्ग वायर स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, इन सब के बारे में पढ़ा था, लूप के लिए, सोलेनॉइड्स के लिए। सो जो भी टॉपिक था वहाँ पर वही है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्मेट में। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से, कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, ठीक है? सो फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत कुछ आपने पहले भी पढ़ रखा है, सो एक ओवरव्यू हो जाएगा तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। इट्स मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट, लाइक अगर मैं कह दूँ, ये मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है? ये एक बार मैग्नेट है, सपोज एक मैग्नेट है, इसके अराउंड जो भी स्पेस है 3D में, ठीक है, वहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो इसके द्वारा बन रहा है वो एक्सपीरियंस किया जा सके, सो उस एरिया को, उस स्पेस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द पाथ अलोंग विच यूनिट नॉर्थ पोल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ फ्री टू डू सो। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो ऐसा कर सकता है, कहीं बाउंड नहीं है, ठीक है ना, इस कार्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड में वो पाथ जहां पर यूनिट नॉर्थ पोल मूव करे किसी डायरेक्शन में, कर्व डायरेक्शन में, ठीक है, तो उस पाथ को, उस क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सपोज करिए, जैसे कि आपने क्लास 10 में पढ़ रखा था, एक बार मैग्नेट हो, ठीक है, सी इधर उसका नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक कंपास नीडल, मैग्नेटिक कंपास नीडल लाकर यहाँ पर रख रहे हैं, और सपोज करिए उसका डायरेक्शन कैसा सो रहा है, नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करता हुआ। ये एरो बैक हमारा साउथ है, एरो हेड हमारा नॉर्थ पोल होता है। अब यहाँ पर हमने पॉइंट आउट कर लिया, नेक्स्ट टाइम हमने इसके अलॉन्ग रखा कि साउथ पोल इस पॉइंट को डायरेक्ट करेगा, तो नॉर्थ हमें यहाँ मिला। इस तरह से क्या होगा, बार बार हमें डायरेक्शंस मिलती जाएंगी, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है क्लास 10th में। ठीक है, इस तरीके से। सो ये जो पॉइंट्स, डॉट्स हम बना रहे हैं, इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेंगी। थोड़ा सा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो कुछ एक अलग लाइन मिलेगी, है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अलग लाइन मिलेगी, इस तरह से चारों तरफ इसके एक पाथ मिलता है जहाँ से वो यूनिट मैग्नेटिक फील्ड मूव कर सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास करंट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड,
मैग्नेट के लिए। सो क्या है यानी मैग्नेटिज्म के लिए जरा सा ध्यान देंगे। सबसे पहला, अ मूविंग चार्ज और अ करंट, अ मूविंग चार्ज और अ करंट सेट्स अप अ मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग इट। अगर कोई वायर है उसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, या कह सकते हैं करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना, करंट फ्लो कर रही है। सो उसके अराउंड, उसके सराउंड में जो भी स्पेस है, जैसे ये हमारा क्या है, एक कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो कर रही है, तो इसके अराउंड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होंगी, करेक्ट। ये मैग्नेटिक फील्ड सेट करता है, ये आपने क्लास टेंथ में पढ़ रखा है ये बात। नेक्स्ट पॉइंट इज द मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट अ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज और अ करंट इन अ फील्ड। यानी कि अगर हमने सपोज करिए नॉर्थ पोल इस तरह से, अब एक बार देखें, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल है, तो नॉर्थ टू साउथ हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी। अब एक मैग्नेटिक फील्ड हमने सेट कर रखी है और एक चार्ज इसमें से मूव करता हुआ इस तरह से जा रहा है सपोज करिए, तो उस चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है, किसी भी एक डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन हम बाद में क्लियर करेंगे। सो क्या होगा कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में से कोई चार्ज या कोई करंट मूव करती हुई जा रही है, करंट पर फोर्स लगना मतलब जिस भी कंडक्टर में है, है ना, जैसे ये हमारा क्या है, ब्लैक पेन हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उस पर एक फोर्स लगेगा। आपको पता है, आपने टॉपिक पढ़ा था, करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो वही है, आपको एक पॉइंट की तरह यहाँ पर बताया गया कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा अगर कोई चार्ज या करंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है तो, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज, लास्ट पॉइंट, सिंबल क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का। द सिंबल वेक्टर बी, ठीक है, इज यूज्ड फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड फील्ड। जैसे आप वेक्टर ई यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वैसे ही वेक्टर बी यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, करेक्ट। ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे मैग्नेटिक और मैग्नेटिज्म और करंट से रिलेटेड। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ क्या होता है? दिस लॉ रिलेट्स मैग्नेटिक फील्ड टू द करंट। ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को करंट से रिलेट करता है। करंट क्या है, जो कि सोर्स है उस मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। जैसे ही कूलॉम्स लॉ हमारा क्या करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करता था चार्जेस से। सो आइए लिखते हैं इंट्रोडक्शन। द बायोट सेवर्ट लॉ रिलेट्स मैग्नेटिक फील्ड टू द करंट विच आर देयर सोर्सेस। ठीक है, अब क्या कहता है ये, ये कहता है द मैग्नीट्यूड of the magnetic field हम small magnetic field db से denote करते हैं यहाँ पर, ठीक है, is proportional to the current
आई द एलिमेंट लेंथ दैट इज डी एल, ठीक है, वेक्टर यहाँ पे हमने मॉड लगा रखा है, उसकी लेंथ लेंगे केवल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस डिस्टेंस दैट इज आर, ठीक है, ये हमारा बायोट सावर्ट लॉ कहता है कि कोई भी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालनी किसी भी पॉइंट पर, वो कैसा होता है, वो उसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो लेंथ हम ले रहे हैं उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट सोर्स एंड दैट पॉइंट जहाँ पर हमें निकालना है। अभी हम इसको प्रूफ के साथ भी करेंगे, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो एक डायरेक्शन होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी है। सो कहा गया कि इस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर, जो डिस्टेंस वेक्टर है हमारे, है ना, और जो हमारा डीएल यानी कि लेंथ है, वो जिस प्लेन में होगा उसके परपेंडिकुलर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। ऑल राइट, सो आइए वन बाय वन बात करते हैं क्या कैसे हो रहा है। सो हमारे पास यहाँ पर एक फिगर है, आइए फिगर को एक्सप्लेन करते हैं। दैट इज कंसीडर अ कंडक्टर एक्स वाई, जैसे यहाँ पर एक्स वाई हमने लिया है, यहाँ से एक्स यहाँ से वाई, ठीक है, ये कंडक्टर है, एक वायर हमारे पास, थ्रू विच अ करंट आई फ्लोज एंड लेट स्मॉल एलिमेंट, ये जो हमने यहाँ पर डीएल लिया हुआ है, स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है इस लेंथ का, है ना, यानी कि पूरा वायर हमारा यहाँ से यहाँ तक है और एक छोटा सा पार्ट उसका हम ले रहे हैं, उसी को हम बोल रहे हैं लेट स्मॉल एलिमेंट, एलिमेंटल कह सकते हैं, एलिमेंटल लेंथ डीएल एट अ सोर्स, सॉरी एज अ सोर्स, एज अ सोर्स पॉइंट, ये सोर्स है, सोर्स मींस करंट फ्लो कर रही है इसमें, तो यही सोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा यहाँ पर आसपास, ठीक है। सो वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सोर्स पॉइंट, सोर्स पॉइंट से ये कहां पर है, आर डिस्टेंस पर है, और यहां पर क्या हुआ, थीटा बी द एंगल बिटवीन आर एंड डीएल, ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब फ्रॉम बायोट सावर्ट लॉ क्या होना चाहिए, फर्स्ट थिंग दैट डीबी इज, जो यहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ से बनेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, सेकंड इक्वेशन, एंड थर्ड इक्वेशन इज DB is directly proportional to sine of angle between DL and R. ठीक है, sine of angle between DL and R. Third equation. Now fourth equation is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ना आर स्क्वायर के, तो वन अपॉन आर स्क्वायर हमने बोल दिया। अब इन सभी इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करते हैं, नाउ फ्रॉम अबव इक्वेशंस वी गेट db is proportional to I dl sin theta upon r square। सो अब हमें क्या करना है, इस प्रोपोर्शनलिटी को तो हटाना पड़ेगा, समथिंग कांस्टेंट आएगा यहाँ पर, सो लेट कर लेते हैं k है वो, है ना। सो db इज इक्वल टू k टाइम्स I dl sin theta upon r square। और जब इस k की वैल्यू ऐसा यूनिट में निकाली गई तो उसकी वैल्यू क्या मिली हमें, वेयर k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर जी, ठीक है। अब यहाँ पर म्यू नॉट है क्या ये भी जान लीजिए, वो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और टोटल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है दैट इज 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ से है, ये यूनिट कहाँ से है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम 1 1 सारी चीज़ें वैल्यू रखते हैं तो ये सब इधर जाएगा, टेस्ला यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मीटर मीन्स दिस वन, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है और यहाँ पर डी एल है, तो ये 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर यहाँ पर आएगा, नौकन एम्पियर नीचे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर इसका फॉर्मूला एंड उसका वैल्यू विद यूनिट है। ये हमारा एक इक्वेशन बनकर आया, एक फॉर्मूला बनकर आया, किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से हम ये निकाल सकते हैं कि एट सम डिस्टेंस आर उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो अभी ये एक छोटे से पार्ट के लिए है ना, डीएल पार्ट के लिए, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी लेंथ के लिए भी हमें मिल जाएगा, क्लियर। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।